आज की अपने इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संधि। संधि क्या होती है आइए देखते हैं। दो वर्णों के मेल से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्ण यानी कि दो अक्षरों जब मिलते हैं तो उनमें जो उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण जैसे देख लेते हैं, विद्या प्लस अर्थी, तो इसमें आ बड़ा और छोटा ये दोनों वर्ण हैं, और दोनों मिले तो बड़ा बन गया और वर्ण बन गया विद्यार्थी, दोनों में संधि हो गई। संस्कृत भाषा में संधियां तीन प्रकार की हैं। पहली संधि है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि, तीसरी संधि है विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या है? स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो वहां पे जो परिवर्तन होता है उस वर्ण में उसे स्वर संधि कहते हैं। उसका उदाहरण देखते हैं, हिम प्लस आलय, इसमें हिम को में छोटा है माँ में, और इसमें बड़ा छोटा प्लस बड़ा मिलके बन गया बड़ा और बड़ बन गया हिमालय। तो यहाँ पे स्वर संधि हो गई, दो स्वर मिले आपस में, छोटा भी स्वर है बड़ा भी स्वर है, दोनों स्वर हैं, जब स्वर और स्वर मिले तो स्वर संधि हो गई। अब देख लेते हैं स्वर संधि के प्रकार। यहाँ देखते हैं स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। स्वर संधि पांच प्रकार की होती है। पहली है दीर्घ संधि, दूसरी है गुण संधि, तीसरी है वृद्धि संधि, चौथी है यण संधि, पांचवी है आदि संधि। पहली संधि हमारी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र है अकह समर्णे दीर्घ, सवर्णे सा से समान, वर्णे से वर्ण, समान वर्ण आए तो दीर्घ। इसका परिभाषा देख लेते हैं, इसी सूत्र को विस्तार में लिखा गया है इसकी परिभाषा में। जब दो समान ह्रस्व या दीर्घ वर्णों का मेल हो, जब दो समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर का मेल होता है तो वे दोनों स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। मतलब दोनों ही वर्ण स्वर होने चाहिए, इसकी कंडीशन ये है। जब दो समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर का मेल होता है तो वे दोनों स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। जैसे छोटा प्लस बड़ा मिलके हो गया बड़ा, छोटा प्लस छोटा मिलके भी बड़ा, बड़ा और बड़ा मिलके भी बड़ा, ऐसे छोटी और छोटी मिलके भी बड़ी, बड़ी बड़ी और बड़ी मिलके भी बड़ी, यह छोटी और बड़ी मिलके भी बड़ी, और ये बड़ी और बड़ी मिलके भी बड़ी, ऐसे ही छोटाऊ और छोटाऊ मिलके भी बड़ाऊ, बड़ाऊ और बड़ाऊ मिलके भी बड़ाऊ, बड़ाऊ और छोटाऊ मिलके भी ये बड़ा, छोटाऊ और बड़ाऊ मिलके भी बड़ाऊ। मतलब समान होने चाहिए, आगे चाहे छोटा हो आगे चाहे बड़ा हो, छोटा और बड़ा मिलके दोनों बड़ा हो जाता है। उदाहरण देख लेते हैं इसके। विद्या धन आलय, इसमें बड़ा इसमें बड़ा दोनों मिलके हो गए बड़ा और बड़ बन गया विद्यालय। शिव धन आलय, इसमें छोटा इसमें बड़ा दोनों मिलके बन गए बड़ा और बड़ बन गया शिवालय। पुस्तक धन आलय, इसमें छोटा इसमें बड़ा मिलके बन गया बड़ा, ये बन गया पुस्तकालय। ऐसे ही ममतालय, ममता धन आलय, यहाँ पे बड़ा यहाँ बड़ा मिलके बना बड़ा और बड़ बन गया ममतालय। ऐसे ई का देख लेते हैं। रवि प्लस इंद्र एक वर्ड है, रवि प्लस इंद्र, यहाँ भी छोटी है यहाँ भी छोटी, छोटी छोटी मिलके बड़ी बन गई, वर्ड बन गया रविंद्र। छोटा और बड़ा, ऊ का भी एक उदाहरण देख लेते हैं। एक वर्ड है वधु प्लस उत्सव, यहाँ पे छोटा ऊ है यहाँ भी छोटा ऊ है, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या बनेंगे बड़ा ऊ, और वर्ड क्या बन जाएगा हमारा वधूत्सव। अगली संधि हमारी गुण संधि। गुण संधि का सूत्र है आदगुणा। सूत्र क्या है? आदगुणा। इसकी परिभाषा, यदि छोटा या बड़ा के बाद छोटी या बड़ी, छोटाऊ या बड़ाऊ ऋषि आए तो वे क्रमशः ए ओ और अर में बदल जाते हैं। कौन कौन से? कैसे?
अगर छोटा के साथ छोटी ई आए तो भी ए बनेगा वो, छोटे आ के साथ बड़ी ई आए तो भी वो ए बनेगा, बड़ा आ के साथ छोटी ई आए तो भी वो ए बनेगा, बड़ा आ के बाद बड़ी ई आए तो भी वो ए बनेगा, यानी कि ई का ए बनेगा ई आने पे। और ऊ का आ के साथ छोटे आ के बाद भी अगर छोटा हुआ है तो ओ बनेगा, और छोटे आ के साथ बड़ा हुआ है तो भी ओ बनेगा, बड़ा आ के साथ छोटा हुआ है तो भी ओ बनेगा, बड़ा आ के साथ छोटा बड़ा हुआ है तो भी ओ बनेगा, यानी कि आ के बाद अगर ऊ आए तो ओ, ओ का ओ हो जाएगा, ई का ए, ऊ का ओ, और ऋषि का अर होता है। ऋषि का छोटे आ के बाद भी ऋषि आए तो अर होगा, बड़े आ के बाद भी ऋषि आए तो अर होगा। इसके उदाहरण देख लेते हैं, कुछ इसके कुछ उदाहरण हैं गुण संधि के। वर्ड है रमेश, रमह इसका विच्छेद किया, रमह प्लस ईश, रमा में बड़ा है यहाँ पे बड़ी ई है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे गुण संधि का सूत्र, आदगुणा, आदगुणा के अनुसार बन ये ए हो जाएगा और वर्ड बन जाएगा रमेश। ऐसे ही महेश, ये रमेश, महेश, सुरेश, गणेश, ये महा महेश में महा प्लस ईस, इसमें बड़ा इसमें बड़ी ई बल्कि ए, सुरेश में सुर प्लस ईस, इसमें छोटा यहाँ बड़ी मिलके ए, बन गया वर्ड सुरेश। गणेश में भी सेम है, गढ़ धन ईस और यहाँ का छोटा आ और यहाँ की बड़ी ई, मिलके बन गया ए, हो गया गणेश। ऋषि वाला उदाहरण देखते हैं, वर्ड है महर्षि, महर्षि में महा प्लस ऋषि, इसमें यहाँ पे बड़ा आ है इसके बाद ऋषि है। हमारा नियम क्या कहता है, ऋषि किसी छोटे या बड़े अखबार ऋषि आए तो अर हो जाएगा, वर्ड बन गया महर्षि। जैसे इसमें महर्षि में अर का साउंड आ रहा है ना, ऐसे ही सेम है देवर्षि, देव धन ऋषि, इसमें यहाँ पे आ है और यहाँ पे ऋषि है, मिलके अर हो गया। ऐसे ही होता है सप्तर्षि भी। और ये अगला उसका देख लेते हैं, अच्छा ये भी सेम ही वर्ड, नरेश, नर प्लस ईज, यहाँ पे छोटा यहाँ पे ई ए हो गया। देवेंद्र, देव धन इंद्र, यहाँ पे छोटा यहाँ पे ई छोटी, मिलके हो गया यहाँ पे छोटी ई होगी और मिलके क्या हो गया ए बन गया। अच्छा ऊ का उदाहरण देख लेते हैं, ऊ का ओ हो जा रहा था, महोदया, महोदया का विच्छेद किया, महा धन उदय, यहाँ पे बड़ा यहाँ पे ऊ, बड़ा ऊ मिल गया ओ बन गया, इसीलिए हमारा ये वर्ड बन गया महोदया। ऐसे ही होता है सूर्योदय भी, सूर्य धन उदय, यहाँ पे आ यहाँ पे ऊ मिला के बन गया ओ, वर्ड बन गया सूर्योदय, तो ऊ का ओ हो गया। अगली संधि है हमारी वृद्धि संधि, वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। इसकी परिभाषा है जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए ए आए तो दोनों को मिलाकर ए ए, तथा जब ओ या औ आए तो दोनों को मिलाकर औ हो जाता है। छोटा या बड़ा आ के बाद क्या है, ए ए आए तो ए हो जाएगा, यानी कि इसकी वृद्धि हो जाएगी, और ओ औ आए तो दोनों को मिलाकर अ हो जाएगा, यानी कि वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो जो बड़ा होगा वही रहेगा। इसमें इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे सदा धन एव लिखा हुआ है, सदा में इसमें बड़ा है इसमें ए है, बड़ा आ और ए मिलके क्या हो जाएंगे आए, वृद्धि संधि का नियम तो यही कहता है ना, आए हो जाएगा, तो यहाँ पे वर्ड बन जाएगा हमारा सदैव। ऐसे ही तथा धन एव, यहाँ पे बड़ा यहाँ पे ए मिलके ए, वर्ड बन गया तथा। ऐसे ही तत्र धन एव, तत्र में आ यहाँ का ए, ए हो गया तत्र एव। ऐसे ही औ का देख लेते हैं, महा प्लस ओज, यहाँ पे बड़ा है यहाँ पे ओ है, तो ओ का क्या हो जाएगा औ हो जाएगा, वर्ड बन जाएगा महोज। अगली संधि है हमारी यण संधि, यण संधि का सूत्र है
इको याड़ा ची, इको याड़ा ची। इसका परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा है इसकी, जब ई उ ऋषि और लि के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का या उ का वा ऋषि का रा तथा लि का ला हो जाता है। नियम क्या कहता है, जब ई उ छोटी छोटा उ ऋषि और लि के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई और स्वर आए तो ई का या उ का वा ऋषि का रा ऑलरी का ला हो जाता है। इसका सूत्र भी था ई को यड़ाची, ई का या। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है प्रतिधन एकम, प्रति का ई और यहाँ का ए, तो ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर, तो ए कोई भी भिन्न स्वर है, क्या हो जाएगा या बन जाएगा, ई का या बन जाएगा, वर्ड बन गया प्रत्येकम। ऐसे ही इति धन आदि, इति में यहाँ पे छोटी है, यहाँ पे बड़ा है, ये छोटी, यहाँ पे कोई भी स्वर भिन्न, ये हो गया हमारा, बन गया या, वर्ड बन गया इत्यादि। ऐसे ही इति उक्तम, छोटी उसका भिन्न स्वर यानी कि उ, ई धन उ मिलके बन गया या, इति उक्तम। अति धन आचारा, ई छोटी और बड़ा, और ये ई प्लस आ मिलके बन गया या, और वर्ड बन गया अत्याचारा। ऐसे ऐसे ही सुधन आगतम, यहाँ पे छोटा उ है, यहाँ पे बड़ा है, छोटा उ बड़ा मिलकर क्या बनेगा, वह बनेगा, ये कोई अन्य नियम कहता है तो वह बन जाएगा, और वर्ड बन गया स्वागतम। ऐसे ही वधु आगमनम, इसमें वधु में छोटा उ, इसका आगमन का आ, इस मिला क्या बनेगा, वह बनेगा, वधु आगमनम हो जाएगा। ली का देख लेते हैं, ली धन आकृति, तो ली धन यहाँ पे ली है, यहाँ पे आ है, मिलके क्या बना था, ला, वर्ड बन जाएगा लाकृति। ऐसे ही देख लेते हैं अगला, मातृ प्लस आज्ञा, मातृ में ऋषि है, यहाँ पे आ है, ऋषि और रा मिलके क्या बनना था, रा बनना था, वर्ड बन गया मात्राज्ञा। और ये ऐसे ही वर्ड है पितराज्ञा, पितृ धन आज्ञा, यहाँ पे इसका ऋषि वाला रा और यहाँ पर आ मिलके बन गया रा, और ये बन गया पितराज्ञा। अगली संधि है हमारी अयादि स्वर संधि, इसका सूत्र है एचो अयवा यावा, एचो अयवा यावा। अयादि संधि की परिभाषा है, यदि ए ए ओ और औ के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो ए का ए का आय, ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है। यदि ए ए ओ औ के बाद कोई और स्वर आए तो क्या होगा, ए का आय हो जाएगा, ए का आय हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा तथा औ का आव हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं इसके, नयनम लिखा हुआ है, नयनम, नयनम का क्या होगा, ए का आय हुआ है ना, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, ने, ने धन अनम, तो ने में देखो ए लगा हुआ है, ए और इसका आ, ए और आ मिलके क्या बनेगा, आय, तो क्या हो गया, ये आय हो गया, वर्ड बन गया नयनम। ऐसे ही सेम है सयनम, चयनम भी ऐसे ही होगा, सयनम का से प्लस अनम, यहाँ का ए यहाँ का आ मिलके बन गया आय, वर्ड बन गया सयनम। ऐसे ही है अगला वर्ड गायक, गायक, तो यहाँ पे क्या होगा इसका विचार, आय आय गए और प्लस अकह, आय गए प्लस अकह, यहाँ पे आय और यहाँ प्लस आ मिलके क्या बनेगा, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, आय बनेगा, आय, ये भी आय ही बनेगा। उदाहरण हमारा क्या कहता था, ये आय हो जाएगा और बन जाएगा गायक, गायक। और अगला है नायक, नय
धन अकह, नए धन अकह, अय यहाँ पे नए का अय और आ मिलके बनेगा आय, तभी बन गया वर्ड नायक। अच्छा ये देखो अगला वर्ड है पावका। पावका में पौ ये वाला औ लग गया इसमें तो बन गया पौ, पौ धन अकह औ और आ, यहाँ का औ यहाँ का आ मिलके बन गया आओ, तभी ये वर्ड बना है पावका। और ये भावुका अगला उदाहरण भावुका, ये इसमें क्या होगा औ भा में होगा औ भाव और धन उका, तो यहाँ का औ यहाँ का ऊ मिलके क्या बनेगा, क्या बनेगा आओ, तभी बनेगा ये भावुका भावुका। ओ का भी देख लेते हैं, अगला वर्ड हमारा पवन। इसमें देखो पवन में क्या था ओ का अव होगा ना, तो पवन में अव का साउंड आ रहा है तो इसमें क्या होगा ओ पो हो जाएगा, पो धन अनह बराबर पवन, पो धन अनह बराबर पवन। नियम कैसा कौन सा लगा है ओ धन आ, ओ धन आ मिल गया ना अब, सेम वर्ड है भवना, भवना में भो धन अनह, भो धन अनह, यहाँ पे ओ है यहाँ पे आ है, ओ और आ मिलके बना अब वर्ड बन गया भवना। आपकी स्वर संधियाँ कंप्लीट हो गई बच्चों, वीडियो को देखिए और इसका रिवीजन करिए और फिर लर्न करिए।